इस बार के लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों ने अपना हिसाब किया बराबर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। नतीजे जारी होने के बाद बिहार की 40 सीटों पर एनडीए ने अपनी जगह बनाई है, तो वहीं 9 सीटों पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का दबदबा देखने को मिला है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपनी जीत कायम की है। इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। कई सीटें तो ऐसी रहीं जहां इससे पहले जिस प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया तो हारने वाले ने ही जीतने वाले को मात दे दी। सबसे बड़ा उदाहरण यहां पर पाटलिपुत्र सीट रहा। पाटलिपुत्र सीट से इस बार महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी मिसा भारती चुनाव में खड़ी थी और इनके विरुद्ध एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव चुनाव में खड़े हुए थे। राजद प्रत्याशी मिसा भारती ने बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव को कड़ी टक्कर दी तो बीजेपी प्रत्याशी मिसा भारती से हार गए। मिसा भारती को इस सीट पर करीब 6,13,283 वोट आए थे। वहीं रामकृपाल यादव के पक्ष में 5,28,109 वोट मिले और मिसा भारती से रामकृपाल यादव लगभग 85,174 वोटों से हारे हैं। इससे पहले 2019 के चुनाव में भी इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मिसा भारती को करारी मात दी थी और इस बार मिसा भारती ने बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव को हराकर हिसाब बराबर कर लिया है। कुछ यही चीज़ें मुजफ्फरपुर में भी हुई। इस बार मुजफ्फरपुर सीट से जो प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर हुई है, इससे पहले भी उन्हीं 2 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। पिछले बार भी राजभूषण चौधरी और अजय निषाद के बीच मुकाबला था। 2019 के चुनाव में अजय निषाद को बीजेपी से टिकट मिला था और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राजभूषण चौधरी को हराया था। पिछले चुनाव में राजभूषण चौधरी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव में खड़े हुए थे, वहीं इस बार राजभूषण चौधरी को बीजेपी से टिकट मिला। अजय निषाद जो पिछली बार चुनाव जीते थे, उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण वे कांग्रेस में शामिल हुए। फिर कांग्रेस से उन्हें टिकट भी मिला और 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से दोनों के बीच टक्कर हुई, जिसमें बीजेपी से राजभूषण चौधरी की जीत हुई और इस बार अजय निषाद चुनाव में हार गए। राजभूषण चौधरी के पक्ष में करीब 6,19,749 वोट आए थे, तो वहीं अजय निषाद के पक्ष में 3,84,822 वोट आए हैं। बीजेपी के टिकट पर राजभूषण चौधरी ने अजय निषाद को 2,34,822 वोटों के अंतर से हराया है, जिससे 2019 के चुनाव का हिसाब इन दोनों के बीच भी बराबर हुआ। कटिहार में भी यही चीज़ें हुईं। इस बार चुनाव में कटिहार से कांग्रेस की सीट पर तारिक अनवर जीते और जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी की हार हुई है। वहीं 2019 के चुनाव में दुलाल चंद्र गोस्वामी जीते थे और तारिक अनवर की हार हुई थी। इस जीत के बाद तारिक अनवर ने भी गोस्वामी से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। बात करें जहानाबाद की, तो यहाँ भी वही चीज़ें देखने को मिले। यहाँ से भी पिछली बार की तरह जदयू के चंद्रवंशी और राजद के सुरेंद्र यादव चुनाव में उतरे थे, लेकिन पिछली बार के चुनाव में जदयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव की जीत हुई है और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हारे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके संसदीय क्षेत्र में किस प्रत्याशी की जीत हुई, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।